आदाब दोस्तों, दोस्तों निधि शर्मा को लेकर अब तक जो सस्पेंस क्रिएट था कि निधि शर्मा एकदम से यूट्यूब से गायब हो गई थी, लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निधि शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर वापस आ चुकी हैं। उनके चैनल का नाम भी हम आपको बताएंगे क्योंकि वो एक नए चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आई हैं। उनके बारे में तमाम जानकारी देंगे आपको मौलाना सलीम साहब। तो मौलाना सलीम साहब, बताइए निधि शर्मा के बारे में, वो क्यों गायब हुई थी और अब किस तरह से यूट्यूब पर उन्होंने वापसी की है। इस्लामिक वीडियोज पर रिएक्शन करने वाली निधि शर्मा के बारे में जो अब तक ये सस्पेंस बना हुआ था, जो कहाँ है, किस हाल में है और आखिर उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ क्या हुआ है जी, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज बन चुके हैं। हमने भी इस बारे में आपको लगातार अपडेट देने की कोशिश की है जी, लेकिन इस वक्त हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और बड़ी अपडेट जो सामने आई है कि निधि शर्मा वापस एक नए रूप में सामने आई है, नए चैनल के साथ आई हैं। लेकिन अब तक जो उनका पुराना चैनल था उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई है। तो निधि शर्मा, जिनके बारे में लगातार ये बात कही जा रही थी और अभी भी यही माना जा रहा है कि इस्लामिक वीडियोज पर रिएक्शन करने के कारण कहीं ना कहीं उनको अपना जो कॉन्टेंट है वो बदलना पड़ा है जी, और अब वो एक नए रूप में सामने आई है। उन्होंने अपना एक नया चैनल क्रिएट नहीं, बल्कि वो चैनल तो पहले से था लेकिन उस पर अब वो एक्टिव हो गई हैं जी। तो निधि शर्मा का जो चैनल का नाम है वो भी हम आपको जल्द ही बताने जा रहे हैं जी। लेकिन इसमें जो वीडियोज है वो आपको पहले जो उनकी वीडियोज से उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा उनमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा जी। पूरी तरह से ये अब इंग्लिश वीडियोज पर रिएक्शन कर रही है जी, और जो फॉरेन कंट्रीज की जो वीडियोज होती हैं उन पर वो रिएक्ट कर रही हैं जी। और पहले आपने उनको वीडियोज में देखा होगा, स्टार्टिंग में वो अस्सलामु अलैकुम कहती थी, जो कोई भी मुस्लिम जब शुरुआत करता है। इसके अलावा अब वो नमस्ते कह रही हैं जी, यानी जो निधि शर्मा है एज ए नॉन मुस्लिम अब वो अपने धर्म के यानी अनुसार अपने यानी आपको ढाल रही है जी। यानी कि जो इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन किया करती थी वो बंद कर दिया और उनमें जो सलाम किया करती थी वो सलाम करना भी बंद कर दिया है। तो हम अब तक जो बातें आपसे कह रहे थे और जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इसी कारण उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो इस्लामिक जो कॉन्टेंट है इस्लामिक वीडियोज पर रिएक्शन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं घर की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर आया है, दबाव पड़ा है, या खुद ने उन्होंने अभी ऐसा महसूस किया है कि अब उनको यानी एक दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए। मौलाना साहब, उनके चैनल का नाम बताइए। तो उनके चैनल का नाम, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शौना रिएक्ट्स के नाम से उनका चैनल है जी, और उस पर तकरीबन 10,000 के करीब फिलहाल सब्सक्राइबर्स हैं। फिलहाल जो वीडियोज हैं उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो चैनल है वो तकरीबन सालों पुराना है। लेकिन मौलाना साहब, तो जो चैनल को देखा हमने, हम साइड में दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, शौना रिएक्ट के नाम से चैनल है, तो इस पर तकरीबन 30 दिन से लगातार वीडियोज डल रही हैं, लेकिन एक भी वीडियो में जो रिएक्शन है वो कर रही हैं लगातार वीडियोज पर, लेकिन एक भी वीडियो में इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन नहीं किया गया और ना ही किसी वीडियो में सलाम किया गया। तो ये चीज़ तो कंफर्म है, जो अंदाज़ा हम लगा रहे थे या फिर बता रहे थे कि उनके ऊपर जो परेशानी आई है वो सिर्फ इस वजह से आई है कि वो इस्लामिक वीडियोज़ पर रिएक्शन किया करती थी, उनको अच्छा बताया करती थी और जो मुस्लिम हैं उनकी तरह से एक तरह से ढांचे में ढली हुई थी, उस तरह के सांचे में। तो ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि जो उनके ऊपर परेशानी थी वो सिर्फ इस्लामिक वीडियोज़ पर रिएक्शन करने की वजह से थी, क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट बिल्कुल चेंज कर लिया है अभी जी। गालिब गुमान यही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद इसीलिए अब जो ये बड़ा बदलाव किया है जी, उसके पीछे यही जो लॉजिक है वो समझ में आ रही है जी। लेकिन अब आप उनको एक नए रूप में देख सकते हैं जी। लेकिन एक चीज जो जिक्र करने की है कि निधि शर्मा जहां एक तरफ वो इस्लाम की और मुसलमानों की यानी खूबियां बयान करती थी और उनकी तारीफ करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म की और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी यानी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी, यानी ऐसा नहीं था। वो अगर इस्लाम के पक्ष में या उन वीडियोज पर रिएक्शन करती थी जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करती थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं, इसके अगेंस्ट में उन्होंने यानी जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ये भी एक बात है जो समझने की है। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? जो हमने वीडियो बनाई है बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप सही जानकारी दो, बिल्कुल सही जानकारी है, वो वापस आ चुकी हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं जाकर,
उनके चैनल पर किस तरह की वो वीडियोज डाल रहे हैं। इसी तरह की और अपडेट के लिए और निधि शर्मा से जुड़ी हुई और भी कोई आगे अपडेट आती है वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, आपकी ज़रूरत है।